तेज हवाओं के साथ बारिश होने से और ओले गिरने से कई जिलों के अंदर रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना और बाकी फसलें भी खराब हुई है, कई जगह शिकायत आई। जैसे ही ओले गिरे, बारिश हुई, मैंने तत्काल सभी हमारे DDS को और सभी कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल निर्देशित किया कि राजस्व और कृषि विभाग की टीम गांव-गांव भेजें, एक एक किसान के खेत में भेजें और वीडियोग्राफी कराकर जितनी भी क्षति हुई है उसका आकलन करें, नजरिया आकलन, पंचनामा बनाएं, जो किसान जिसके खेत में उसका हस्ताक्षर करवाएं, गांव के सरपंच, पंच या कोई भी पांच लोग, पंच परमेश्वर, और एक कापी उस किसान को दें, एक पंचायत में और एक कापी अपने पास रखें, ताकि किसानों को ये संतुष्टि हो कि ये सरकार किसानों की है, दुख के समय में उनके साथ खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है, ये गांव, गरीब और किसानों की सरकार है और किसानों के हर दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है। उनका संकट हमारा संकट है, वो संकट हमने लिया है और RBC 6-4 में और बीमा की क्षतिपूर्ति किसानों को कराएंगे, ताकि किसान को जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सरकार करे। और इसलिए मैं स्वयं हरदा में था, तत्काल गाँव में गया मैं, और अभी आकलन चल रहा है और पूरी वीडियोग्राफी कराकर दूध का दूध, पानी पानी, एक भी किसान का एक भी खेत अगर नुकसान हुआ तो उसको भरपाई की जाएगी। और इसलिए ऐसे संकट के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को हर तरह की मदद हम देने को तैयार हैं।